पंजाब कांग्रेस की जिहड़ी लड़ाई है वह हाईकमान तक पहुंच गई है। अज तीजा दिन मीटिंग का है, तीन मैंबरी कमेटी को साडे कोल समाणा तो MLA ने काका रजिंदर सिंह जी, उन्होंने गल करांगे। वह मिलकर आए हैं तीन मैंबरी कमेटी नूं। रजिंदर सिंह जी, की गलबात हुई कमेटी को, खासकर जो पंजाब दे विच कांग्रेस दे विच अजकल चलिया होया है, कोटकपुरा केस दे विच जिहड़ा वर्डिक्ट आया सी हाई कोर्ट का, उस तों बाद? देखो, ये जिहड़ा बड़ा गंभीर मुद्दा, जिहड़ा बेअदबी का मुद्दा है, जरूर कई बार ये एडा वड्डा मुद्दा सी, इन्हां चीज़ां नूं टाइम लगता है। जिस तरीके दे नाल मैं हुण समझदा, तीन चार सैट उत्थे बनियां हैगियां, इहदा आने वाले दिनों दे विच सानूं पूर्ण उम्मीद है कि इहदा हल हो जाणा है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बड़े वड्डे वड्डे किसानी का मुद्दा ला लिओ, कदे पानियां दा मसला ला लिओ, वड्डियां वड्डियां लड़ाइयां उन्होंने लड़ियां, तो यह भी जिहड़ा मसला हैगा ये हल हो जाणा। जिथे तक साडे पार्टी का मसला हैगा, कांग्रेस पार्टी एक परिवार हैगा, तो बड़े सीनियर लोग इस जिहड़ी कमेटी के मैंबर बने हैगे आ, सारयां दा फीडबैक लै रहे हैगे आ, तो इस तों बाद मैं समझदा इह साडा सारा जिहड़ा मसला हल हो जाणा है। और कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर शोर के नाल पंजाब च कांग्रेस इलैक्शन लड़न वास्ते जाना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई के थले पहला भी सरकार बनी है, आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार बननी है पंजाब दे विच। पर नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह लगातार चीफ मिनिस्टर नूं टारगेट कर रहे हैं इस इशू से, खासकर बेअदबी वाले इशू से, ते प्रगट जी तो कह के गए हैं कि उन्होंने 2020 दे विच एक लैटर भी लिखा सीगा चीफ मिनिस्टर नूं, जिहदे विच जिहड़े इशूज अज उठ रहे ने वह कहे गए सीगे, इस सारे उसनों लैके भी गलबात हुई है कुछ? हाँ, बिल्कुल हुई है जी। असी मैं अपने तरीके का जिहड़ी अंदरूनी गल्लां नहीं मैं पार्टी दीआं दस सकदा, मैं अपनी सलाह दित्ती हैगी है, अपना लोगों का, पंजाब का, मेरे हल्के दे लोगों का फीडबैक उन्हां नूं दित्ता है। और मैं समझदा भी जिस तरह सानूं पूर्ण उम्मीद है पुराने मसले हल होए, बरगाड़ी का एक बड़ा गुंझलदार मसला हैगा, तो आने वाले दिनों च पंजाब ते सारी दुनिया देखूगी यह मसला हल हो जाना है। और जिहड़ा साडा पार्टी का मसला हैगा, अंदरूनी जिहड़ा खिचोतान का मसला, सीनियर लोग अंदर बैठे हैगे आ, सारयां दा फीडबैक लै रहे आ, सलाह लै रहे हैगे, तो यह मसला मैं समझदा आने वाले दिनों च देखोगे ये बिल्कुल ठीक हो जाना जी। पर जो फैक्शनलिज्म आ रहा सामने पार्टी दे विच, लीडरशिप दे विच, टॉप लीडरशिप दे विच, वो किते ना किते पार्टी दे जिहड़े प्रोस्पेक्ट्स ने उन्होंने डेंट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, असी यही बेनती की है मैं अंदर भी, जदों जदों साडे इस तरह का डिस्प्यूट उठाया, कोई झगड़ा उठाया, पार्टी नूं इस चीज़ का नुकसान होया। मैं बेनती ये की हैगी है भी सानू ये जिहड़ा साडा अंदरूनी साडा मन मुटाप हैगा, इनू अंदर बैठ के हल करना चाहिए, सानू प्रेस च नहीं जाना चाहिए, अंदर बैठ के ये मैं लगता है भी आने वाले दिनों बिल्कुल सैटल हो जाए। जो लीडर्स, इसका मतलब है कि जो लीडर्स पब्लिकली टारगेट कर रहे ने सरकार नो या चीफ मिनिस्टर नो, वो तुहाडे अकॉर्डिंग वो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी ये हक च नहीं है। तुसी इतिहास खोल के देख लो, जदों जदों भी ये झगड़ा होया साडा नुकसान होया, पार्टी का नुकसान होया। मैं तो अंदर जी कमेटी के लीडर साहबान उन्होंने भी बेनती की है भी सब तो पहला जिहड़ा ये साडा मसला सानू अंदर बैठ के हल करना चाहिए, जिहड़ी लड़ाई है लोगों च जाके असी पार्टी की लड़ाई लड़नी है, असी अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, जिहड़ी अपनी लड़ाई है अंदर बैठ के लड़ी जानी चाहिए है। सो मैं यही बेनती की और मैं लगता है भी यह जो मसला बिल्कुल यह सैटल होकर जाऊगा। एक जो इशू आ रहा वो दलित लीडरशिप का भी आ रहा सामने, ये कितने ना कितने गल्लां चलियां किसी कांग्रेस ते पार्टी दे विच कि दलित फेस जो है डिप्टी CM ला देना चाहिए पंजाब दे विच, ये कुछ गल्लां इदां दियां हो रही अंदर? देखो जी, अज जिहड़े हालात ने मैं समझदा सब तो ज़्यादा सानू जिहड़ा ध्यान देना चाहिए, आने वाला यह इलैक्शन ईयर हैगा, असी लड़ाई किवें लड़नी है, असी इलैक्शन किवें लड़नी है, और खास करके जिहड़ा किसानी का मुद्दा, बेअदबी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों नूं छड्ड के सब तो पहला इहदे ते ध्यान देना चाहिए, पंजाब दे लोगों का ध्यान साढ़े ते है भी असी की फैसला करते हैं, ये पार्टी का हैगा, हाईकमांड का मसला, यह भी हल हो जूगा। गंभीर मुद्दे साढ़े किसानी के ने, बेअदबी का मुद्दा जिहड़ा हैगा, सानू ज़्यादा ध्यान इधर देना चाहिए जी। बट तुहानूं लगता है कि टाइम बहुत छोटा रह गया है इलेक्शन तो पहले, बेअदबी वाले इशू तो कुछ कंक्रीट हो जाएगा? जिस तरीके दे नाल, जिस स्पीड दे नाल साडियां सिट जिहड़ियां बणियां उन्होंने काम शुरू किया, मैनूं पूर्ण उम्मीद है कि यह मसला बिल्कुल जिहड़ा दुध दा दुध पानी दा पानी होकर सामने आऊगा। और मैं पूर्ण उम्मीद करदा भी इस मसले दे विच किसी बेगुनाह नूं फसाया नहीं जाना चाहिए, और जिहड़े दोषी उन्होंने बख्शा नहीं जाना चाहिए, और यह मसला हल होगा जी। इसी के काका रजिंदर सिंह जी समाणा तो MLA कह रहे हैं कि जो जो इशूज इन्हों लगते हैं वो सारिया गल् करके आए ने, कह के आए हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से पब्लिकली जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने नहीं करना चाहिए सी,
पार्टी प्लेटफॉर्म से एक गल करनी चाहिए सी, चाहे बेअदबी के मुद्दे पर है। ये जिहड़ा इशारा है वह खासकर नवजोत सिंह सिद्धू ते बाकी जो लीडर्स ने टारगेट कर रहे ने सरकार नूं बेअदबी दे इशू ते उसकी तरफ उन्हों का इशारा सीगा। ते कमेटी कोल कह के आए हैं कि सारिया चीज़ा पार्टी प्लेटफॉर्म से सॉल्व होनी चाहिए ते होपफुल ने कि ये सारे डिफरेंसिज दूर होने आने वाले टाइम के विच ते पार्टी 2022 के इलेक्शन वास्ते जो है वो यूनाइटेडली तैयार होगी। कैमरा परसन मेहरबान सिंह के नाल सचिन कुमार, एबीपी सांझा, 15 GRG रोड, दिल्ली। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।